उदासी पे खुशी की जीत, अंधेरे पे उजाले की जीत, आलस पर मेहनत की जीत, बेईमानी पर ईमानदारी की जीत, गरीबी पे खुशहाली की जीत, निरक्षरता पे साक्षरता की जीत, बीमारी पर स्वास्थ्य की जीत, जातिवाद पे एकता की जीत, प्रदूषण पर सफाई की जीत, नफरत पर प्यार की जीत, जीत हो अच्छा की, जीत हो इंसान की, जीत हिंदुस्तान की। की जीत को जाना। इस वर्ष हमने रामायण के दो अभिन्न पात्रों शूर्पनखा और सीता के व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि केवल विषम विचारों के कारण व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है। ये केवल पात्र नहीं है, ये विचार ही हैं जो हमारे अंदर सीता या शूर्पनखा को उत्पन्न करते हैं। आइए उससे पहले जानते हैं कि सीता और शूर्पनखा आखिर थी कौन। पूर्व जन्म में अपना चाहू यहाँ बताना, इंद्र की थी अप्सरा, नाम था नयनतारा, वज्रा ऋषि की तपस्या की भंग, उनके श्राप से राक्षसी रूप हुआ सारा। ये थी इसमें घमंड की बुराई, जिससे इसकी सुंदरता मुरझाई। पूर्व जन्म की अपनी मैं सुनाऊं तुम्हें कहानी, वेदवती नाम की थी मैं तपस्वनी, रावण ने खींचा मुझे पुष्पक में, स्त्री कारण से मृत्यु का दे श्राप बनी देह त्यागनी। ये थी इसमें पवित्रता की अच्छाई, ले रूप सीता का जिसने खत्म करी बुराई। मेरे मन में घर कर गया था पाप, राम लक्ष्मण को सज्जन लिया था भाव, सीता को मारने की हटने लक्ष्मण को गुस्साया, तलवार वार किया और मेरे अभिमान को काट गिराया। ये थी इसके अंदर की कलुषित नारी, बल के अनुचित प्रयोग से दूषित की नारी की छवि प्यारी। मैं दूं तुम्हें नारी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण, घास के तिनके के बल पर बचाया सम्मान, नहीं कर सका कुछ भी रावण जैसा बलवान, राक्षसों बीच रहकर भी सहेजी अपनी आन। ये थी इनके अंदर की पावन नारी, तब के बल से इन्होंने कभी न हिम्मत हारी। मुझमें थी निर्ममता, ना कोई स्नेह ना प्यार,
किया भ्रमित भैया को जितवाने को अपना अहंकार। सत्य छुपा झूठी घटना मैंने रावण को सुनाई, पर नारी पर उनकी कुदृष्टि पड़वाई। ये था इसके अंदर का झूठा अहंकार, इसके धूर्तता से मिट गया लंका का आकार। मैं थी पावन हृदय की थी मैं करुणाशील, धोबी का आरोप न कर पाया मुझे अधीर। तपती आग में कूद परीक्षा दे साबित किया, शुद्ध पुनीत चरित्र ने अग्नि को शीतल किया। ये था इनका उच्च और पावन चरित्र, ऐसी नारी मिटा दे परिवार के हर दरिद्र। नर सहारी थी मैं थी करूपधारी, छल प्रपंच से ही बिताई जिंदगी सारी। ना करती झूठा नाटक ना होती इतनी बर्बादी, भाई पुत्र सब जीवित होते छाई रहती खुशहाली। यह बुरे विचारों से पंपी कुरूप काया, विशुद्ध सोच ने भाई की लंका को ढेर बनाया। मन की सुंदर प्रतिमा हूँ सरल है मेरी गाथा, सही कहा शुद्ध विचारों से हर कोई सुंदर हो पाता। यही सिखाता है हमको सौम्य पूर्ण व्यक्तित्व, शुद्ध पावन सोच से बनाओ अपना अस्तित्व। यह संस्कार और त्याग की प्रतिमूर्ति, तभी तो ये दुनिया इन्हें घर घर पूजती। हम एक व्यक्तित्व हैं जिसके अंदर के विचार ही हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। श्रुपनखा अहंकार के आवरण के कारण को बुद्धि हो गई थी। एक बार उसने रावण को कहा था, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिये ना छोट करी, अर्थात अपनी ताकत के अभिमान में कभी शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को दुर्बल ना समझें, ये कभी भी आपका अहित कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। शत्रु दुश्मन को कभी कमजोर ना समझें। राम लक्ष्मण को कमजोर समझकर उसने उन पर प्रहार किया किंतु अपनी ही हानि कर बैठी। रोग हम छोटे रोग को नजरअंदाज करते हैं लेकिन उसे बढ़ा लेते हैं जो अति कष्टदायी होता है। अग्नि एक छोटी सी चिंगारी भीषण ज्वाला का रूप लेकर सब कुछ तहस नहस कर सकती है। पाप करते समय हम नहीं जान पाते पाप पुण्य का भेद, लेकिन यही हम पतन का कारण बनते हैं। सर सांप देखने में छोटा जीव है किंतु इसके अंदर का जहर अकस्मित मृत्यु का कारण बन सकता है। स्वामी आपके स्वामी गुरु आचार्य इन्हें कभी भी स्वयं से छोटा ना समझे, इससे हम ज्ञानी नहीं अज्ञानी ही आके जाते हैं। इसीलिए विपरीत सीता के मन पर नम्रता व मधुरता का आवरण था तो स्थितियाँ उनके अनुरूप परिवर्तित हो गईं। आइए देखें कैसे। मित्र कौन है? मित्र वे हैं जो हम जैसे होते हैं, जिनके मन में कभी स्वार्थ नहीं होता और उनका साथ हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। निरोगता अति अनिवार्य है, केवल शारीरिक नहीं मानसिक निरोगता भी। मन में शुद्ध विचार और पावन शरीर तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। शीतलता से पाषाण भी कठोरता से नम्रता में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात शीतलता का भाव विषम परिस्थितियों को बदल देता है। पुण्य यदि पाप पुण्य में भेद ना पता चले तो बस इतना ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आपसे कभी किसी का अहित ना हो, यही पुण्य है। चींटी बहुत छोटा जीव लेकिन हमें आत्मनिर्भरता व अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। वे अपने सामर्थ्य से बढ़कर जीवित रहने का प्रयास करती है। स्वामी अर्थात अपने स्वामित्व को जगाओ, अपने गुरु अपने आचार्य के आदर्शों पर चलकर सदैव उचित मार्ग पर अग्रसर रहें। मैं कोई व्यक्ति मात्र नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ जो आप सभी के अंदर विद्यमान है। अब आप मुझे पहचानेंगे कैसे? आप शूर्पनखा की भांति अंदर की नकारात्मक सोच को परिवर्तित करके माँ सीता की सकारात्मक सोच को विकसित करके अपनी शक्ति से
साक्षात्कार कर सकते हैं, अर्थात अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। तो आओ अपने अंदर का ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, असत्य, भ्रष्टता को त्याग कर स्नेह, सद्भाव, नम्रता, सत्य और सदाचार को अपनाएं और इस पावन पर्व को सार्थक सिद्ध करें। Thank you.